बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन। माई डियर लर्नर्स, टुडे वी आर गोइंग टू हैव द इंट्रो ऑफ द शॉर्ट स्टोरी अरबी रिटन बाय जेम्स जॉयस। आई विल प्रेजेंट समरी ऑफ द स्टोरी इन फ्रंट ऑफ यू एंड आफ्टरवर्ड्स एनालिसिस ऑफ द स्टोरी। सो लेट्स सी व्हाट इज द स्टोरी अबाउट एंड व्हाट इज इन द स्टोरी। वेल, दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी दैट टेक्स प्लेस इन लेट 19th century or early 20th century, and the setting for the story is Dublin on North Richmond Street, and that street is a blind street on which stands several brown houses and the Christian Brothers School, Catholic school for boys. The street is quiet except when school ends and the boys play in street until dinner. At the end of the street is an empty house opposite from the others by its own square plot of land. द फॉर्मर टेनेंट ऑफ दिस, इस घर की बात जो कर रहे हैं, तो उसका जो फॉर्मर टेनेंट था, जो पहले इससे पहले इस घर में रहता था, द नैरेटर्स हाउस वॉज अ प्रीस्ट। वो वहाँ कौन था रहता? प्रीस्ट रहता था, हु डाइड इन द बैक ड्राइंग रूम बट लेफ्ट सम ऑफ हिज बिलोंगिंग्स बिहाइंड। द नैरेटर इन्जॉयज लीफिंग थ्रू द येलो पेजेज ऑफ द बुक्स लेफ्ट बिहाइंड बाई द प्रीस्ट। प्रीस्ट की जब डेथ हुई है तो उसने कुछ चीज़ें वहाँ पर छोड़ी हैं, वहाँ पर उन चीज़ों में बुक्स भी हैं, तो राइटर को येलो पेजेस वाली जो बुक है वो बहुत अच्छी लगती है। द एबट द डिवोट कम्युनिकेंट, ये बुक का नाम है, एंड द मेमायर ऑफ विडक, ये किताबें हैं जो उसने वहाँ पे छोड़ी हैं। एंड इन द बैक गार्डन नियर द एप्पल ट्री द नैरेटर आल्सो वंस फाउंड द प्रीस्ट रस्टी बाइसिकल पंप अंडर द बुश, तो उसको ये भी मिला था वहाँ पे। द नैरेटर सपोजेस द प्रीस्ट वॉज चैरिटेबल मैन, noting that he left his money to institutions and his furniture to his sister after he died. तो प्रीस्ट ने कुछ बिलोंगिंग्स छोड़ी थी, जो उसने नैरेटर ने नोट किया कि उसने कुछ पैसे जो थे, कुछ अपनी बिलोंगिंग्स जो थी वो इंस्टीट्यूशंस के लिए छोड़ दी थी, और कुछ फर्नीचर जो था वो अपनी बहन के लिए दे दिया था, और कुछ किताबें उसी घर में रह गई थी जहाँ पर उसकी डेथ हुई थी। एंड द बॉयज यूजली मीट इन द स्ट्रीट टू प्ले बिफोर डिनर इवन ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट हैज़ ऑलरेडी बिकम डार्क बाय देन। लड़के जो हैं वो रात को खेलते हैं वहाँ पे, रात तक खेलते हैं गली में। दे प्ले आउटसाइड इन द कोल्ड अंटिल देयर बॉडीज़ ग्लो, और ये ग्लो कलर्स जो है ये स्टोरी में यूज़ हुआ है। उन्होंने कहा कि वो बाहर ठंड में खेलते रहते थे और ठंड उनकी हड्डियों को चिल कर देती थी, और वो तब तक खेलते थे जब तक उनके बॉडीज़ ग्लो नहीं करने लग जाते थे, मतलब कि उनके पसीना नहीं आ जाता था, इतने वो एक्साइटेड होकर खेलते थे। एंड एक्सप्लोरिंग एवरीवेयर फ्राम द मडी लेन्स बिहाइंड द हाउसेज एंड बैक इन टू द स्ट्रीट which along with the area's sunken enclosures providing access to the basements of the house is now illuminated with light from the kitchen windows. When they see the narrator's uncle coming home, they hide from him in the shadows. तो अंकल को देख के वो छुप जाते होते थे। Every night Megan's sister comes outside to call him inside for tea. And Megan and the narrator, they were two friends, and there was a girl who was Megan's sister. So the boy, the one who is the narrator, he used to have a crush. He used to have a sort of infatuation onto that girl who was the sister of his friend. So that sister used to come outside to call them inside for tea. Megan, one of the narrator's friends, usually teases her while the narrator looks on. तो जो नैरेटर था वो इस चीज़ को नोटिस करता रहता था वहाँ पे खड़ा, और उसका भाई जो था उस लड़की का, वो उसको टीज करता रहता था, उसको परेशान करता था जाने से, घर जाने से पहले थोड़ा सा शरारतें करता था। तो जो नैरेटर था उस दौरान खड़ा होकर उस लड़की को ऑब्ज़र्व करता रहता था। तो क्या ऑब्ज़र्व करता था? उसकी फ़िज़िकल करेक्टरिस्टिक्स, देखने में कैसी लगती है, जैसा कि उसका ड्रेस कैसे मूव करता है जब वो खुद मुड़ती है, तो फिर वो उसके बाल जो हैं वो कैसे हैं, और वो बाल जो बालों के लिए उसने जो टर्म यूज़ की है, जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, उसने कहा है रोप, सॉफ्ट रोप ऑफ हर हेयर, कि उसके बाल जो थे वो बड़े नरम थे और ऐसे लगता था सॉफ्ट सी रोप है वो जो हिलती थी जब वो मूव करती थी। तो हर सुबह ही वॉचेस हर डोर फ्रॉम अ स्लिट इन द ब्लाइंड्स इन हिज फ्रंट पार्लर, सामने वो अपने घर के बैठ जाता था और वो उसको देखता रहता था, वेटिंग फॉर हर टू लीव सो ही कैन वॉक बिहाइंड हर ऑन द वे टू स्कूल। तो वो जब स्कूल जाती थी तो वेट करता रहता था कि अब वो निकलेगी तो फिर ये निकलेगा। He was a very very young boy, इतना वो बड़ा नहीं था, बहुत छोटा लड़का था वो। Just before they part ways, he always speeds up and passes her. तो जहाँ से रास्ते उनके अलग होने लगते थे वो वहाँ से अलग हो जाता था और तेज़ी से वहाँ से गुजर जाता था।
The narrator begins to fantasize about Mangan's Isha. Even just her name begins to conjure up strange prayers and praises. तो उसके नाम के साथ वो बहुत सारी दुआएं करता रहता था, बहुत प्रेजेस प्रेयर्स अटैच कर ली थी उसने. ऑफन ही फाइंड्स हिमसेल्फ फुल ऑफ इमोशन एंड ऑन द ब्रिंक ऑफ टीयर्स फॉर नो अपेरेंट रीज़न. रो पड़ता था, कोई समझ नहीं आती थी क्या हो रहा है. डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस ही डजेंट मेक एनी प्लान्स टू टॉक टू हर. फिर भी ये समझ नहीं आती थी कि प्लान कैसे करना है उससे बात करने का. तो इसकी बजाय वो क्या करता था, वो अपने ख्वाबों में गुम रहता था. तो एक रात को बारिश हो रही थी और जो नैरेटर है वो जाता है बाहर बैक ड्राइंग रूम में जहाँ पे प्रीस्ट की डेथ हुई थी, वहाँ उस वाले कमरे में जाता है और फिर वो अपने इमोशंस जो हैं वो उसके इमोशंस से जैसे इमोशंस उसको बहा ले जाते हैं. तो वो दुआएं करता है और फिर बार बार रिपीट करता है कि ओ लव कॉन्टीन्यूअली इन द डार्क, ओ लव रिपीट करता है बार बार. मतलब कि ही इज़ वेरी मच ऑब्सेस्ड विद द फीलिंग ऑफ लव, अ सॉर्ट ऑफ लव. When Mangan's sister finally speaks to the narrator, फिर एक दिन ऐसा आता है कि उनकी बात हो जाती है. It is to ask if he is planning to go to the Arabi Bazaar. तो बात उसने क्या की है कि क्या आपने अरबी बाज़ार जाना है. तो जो boy है narrator जो है, अब उसको तो उसके लिए तो it was a sort of heaven कि अगर उसने मुझे पूछ लिया है कि अपने बाज़ार जाना है. तो उसको समझ नहीं आ रही थी कि उसने क्या कहा है, येस कहा है या नो कहा है, उसको कुछ समझ ना आई मैंने क्या जवाब दिया है. शी टेल्स हिम शी इज़ अनएबल टू अटेंड बिकॉज शी हैज़ अ रिट्रीट फॉर हर कॉन्वेंट एंड ही सीज़ व्हाट सीम्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रेस हर. तो उसने सोचा अपॉर्चुनिटी है, उसको इम्प्रेस करता हूँ. प्रॉमिस कर लिया टू ब्रिंग हर बैक समथिंग इफ़ ही गोज़ टू द बाज़ार, के ला देगा उसको वहाँ से कुछ ना कुछ उसके लिए लाजमी लेकर आएगा अगर बाजार जाएगा. वाइल दिस कन्वर्सेशन इज़ हैपनिंग द अदर बॉयज़ आर फाइटिंग ओवर देयर कैप्स. ये इधर बातें कर रहे हैं और लड़के उधर कैप्स के साथ लगे हुए हैं. द नैरेटर नोटिस द वे द लाइट कैचिज मैंगन्स सिस्टर्स नेक, हर हेयर, हर हैंड एंड फाइनली द वाइट हेम ऑफ हर पेटीकोट स्टिकिंग आउट फ्रॉम अंडर हर ड्रेस. तो उसका फिजिकल ब्यूटी जो है वो सारी उसको हाईलाइटेड होकर नज़र आती है. The narrator now begins to fantasize not only about Mangan's sister but about the Arabi Bazaar as well. तो अब उसके पास उसके ख्वाबों में एक और ख्वाब का इजाफा हो गया एंड दैट इज़ Mangan's sister के साथ साथ Arabi Bazaar का, क्योंकि Arabi का जो बाज़ार था that was the thing जिसके ज़रिए वो अपने आप को प्रूव कर सकता था, जिसके ज़रिए he could express his love for the lady. Thus he is fascinated with the exotic eastern nature of the market and even the word Arabi seems foreign and exciting to him. He asks his aunt if he can attend the market and she is skeptical at first. पहले तो वो उसको होता है कि ना इजाज़त दे. asking if it is a sort of affair, but then फिर वो अपनी रजामंदी दे देती है. Meanwhile, जो नैरेटर होता है वो फोकस नहीं कर पाता अपने स्कूल पे और हिज मास्टर बिगिंस टू नोटिस एंड बिकम्स स्टर्न विद हिम. टीचर भी स्टर्न हो गया है. द नैरेटर स्टार्ट्स टू फील लाइक स्कूल एंड एवरी डे लाइफ आर अगली मोनोटनस चाइल्ड्स प्ले. उसको जो आम लाइफ है वो भी अच्छी नहीं लग रही है. ऑन सैटरडे मॉर्निंग द नैरेटर रिमाइंड्स हिज अंकल दैट ही विशेज टू अटेंड द अरबी बाजार दैट नाइट. ही लीव्स फॉर स्कूल इन अ बैड मूड ऑलरेडी एंटिसिपेटिंग फ्यूचर डिसअपॉइंटमेंट. उसको पहले ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो वो स्कूल भी बैड मूड के साथ गया क्योंकि उसका दिल था बाजार जाने के लिए. व्हेन ही रिटर्न्स फॉर डिनर दैट नाइट हिज अंकल इज़ नॉट होम येट. तो रात तक उसके अंकल नहीं आए जिन्होंने उसको मनी देनी थी जाने के लिए. द नैरेटर एंक्शियसली पेसिस द हाउस. इधर उधर फिर रहा था. फ्रॉम एन अपस्टेयर्स विंडो ही सीज हिज फ्रेंड्स प्लेइंग इन द स्ट्रीट एंड देन लुक्स ओवर एट मैंगन्स सिस्टर्स हाउस seeing her brown clad figure in his mind. तो जब narrator नीचे आता है, सीढ़ियों से नीचे आता है ऊपर घूम फिर के अपने अंकल का वेट करके, तो जो वहाँ पे एक विडो रहती है, जो विडो होती है तो वो उसको देखता है. तो फिर वो वेट करने लग जाते हैं narrator के अंकल का टू अराइव फॉर ओवर एन आर एंड मिसिज मर्सर लीव्स. फिर मिसिज मर्सर जो विडो थी वो वहाँ से चली जाती है और अंकल आ जाते हैं घर में सेइंग शी कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर. वो कहती है मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकती, तो वो चली जाती है. द narrator हैज़ टू वेट बिकॉज इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ टोकन ऑफ लव दैट ही इज़ गोइंग टू बाई फॉर द गर्ल. तो उसके लिए उसको तो उसे वेट ही करना था. The narrator's aunt suggests that he may not be able to attend the bazaar. तो वो कहती हैं, आंटी कहती हैं कि भई आप लेट हो गए हो, आपसे बाज़ार नहीं जाया जाएगा. At 9 a.m.
The narrator hears his uncle's key in the door and can tell from the way his uncle is moving that he has been drinking. The narrator waits until his uncle is halfway through his dinner before asking for money to go to the market. थोड़ा सा डिनर अंकल ने किया है तो वो मनी के लिए मनी की डिमांड की है. हिज अंकल एडमिट्स ही हैड फॉरगॉटन अबाउट द मार्केट. लेकिन जब वो कहता है और कहता है कि अब बहुत देर हो गई है तो अब तो आप नहीं जा सकते, मैं भूल गया था. द नैरेटर इज़ नॉट एम्यूज्ड. तो नैरेटर को ये अच्छा नहीं लगता. द नैरेटर्स आंट एनकरेजेस हिज अंकल टू लेट हिम गो. और फिर फाइनली उसके अंकल जो हैं वो अग्री कर जाते हैं. एज द नैरेटर लीव्स हिज अंकल बिगिंस रिसाइटिंग द पोएम द अरब्स फेयरवेल टू हिज स्टीड. तो वो पोएम पढ़ने लग जाते हैं. द नैरेटर वॉक्स टू द ट्रेन स्टेशन एंड बोर्ड्स द एम्प्टी थर्ड क्लास सेक्शन ऑफ द ट्रेन. आफ्टर अ डिले द ट्रेन फाइनली लीव्स. फिर चल पड़ती है पासिंग रन डाउन हाउसेज बिफोर पुलिंग अप टू द मेकशिफ्ट प्लेटफॉर्म. द नैरेटर नोटिसेस दैट इट इज़ 10 मिनट्स बिफोर 10 PM व्हेन द मार्केट इज सपोज टू क्लोज. तो उसको 6 पेनी एंट्रेंस नहीं मिलती. ही क्विकली एंटर्स थ्रू अ मोर एक्सपेंसिव एंट्रेंस टू गेट इन टू द मार्केट बिफोर इट क्लोजेज. जल्दी से एज ही टिमिडली एंटर्स द बाजार. आखिर फाइनली वो बाजार में एंटर हो जाता है. द नैरेटर नोटिसेस दैट नियरली ऑल द स्टॉल्स आर क्लोज्ड. सारे स्टॉल तो बंद हैं. तो ये था एक डिसअपॉइंटमेंट का मोमेंट फॉर हिम. सो एंड फिर क्या होता है, वो कंपेयर करता है द साइलेंस ऑफ दैट ऑफ द चर्च आफ्टर द सर्विसेज हैज एंडेड. उसे लगता है कि ये ऐसी साइलेंस है जैसे सारा काम हो जाता है चर्च में और बाद में सर्विसेज के बाद जो एंडिंग होती है उस वक्त सब तरफ खामोशी हो जाती है और लोग सर्विस के बाद घर चले जाते हैं. सर्विस मतलब जब वो पढ़ रहे होते हैं द मासिस. He walks toward the few stalls that remain open. One of them displays the name Cafe Chantant written in colored lamps. He continues on to a stall that is selling porcelain vases and flowered tea sets. To bartanon ke udhar chala jata hai. He observes the female shopkeeper of the stall flirting with two men, all of them speaking with English accents. Well, the shopkeeper asks the narrator if he is going to buy anything, but seems to only be asking. तो उसने उससे पूछा है तो ऐसे पूछा कि सिर्फ पूछना ही था, मतलब देने का कोई इरादा नहीं था, बेचने का कोई इरादा नहीं था. The narrator responds, no thank you, and the shopkeeper returns to her conversation, glancing back from time to time to keep an eye on the narrator. उसे शक है कि narrator के पास पैसे नहीं हैं तो मुझे भी कुछ गड़बड़ करेगा, तो बार बार उसको देखती जा रही है. As the narrator leaves the stall, he hears someone announce that the lights are going off. और फिर ये होता है कि he is left in darkness. He realizes how foolish he has been. तो उसे पता चलता है कितना बेवकूफ था वो. बाजार आया है, लेट आया है और फिर इतने एंड पे आया, कुछ ख़रीद नहीं पाया है. Now he has let vanity blind him. He is filled with anguish and anger. And his eyes sting with tears of disappointment. इतनी ज़्यादा disappointment हुई है कि after a lot of effort he couldn't get anything. और ये couldn't get anything का ये भी मतलब था कि that he won't be able to have any access to the Mangan's sister because the promised gift will not be presented to the lady. तो ये सारा जो disappointment का जो शुरू से ही एक darkness के theme के साथ start हुई है story, end में भी darkness के theme के साथ हुई है कि lights off हो जाती हैं and there is no way to go out. जाने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है. एंड ये वाली जो फीलिंग है ये हमें ब्लाइंड वैली, उसको ब्लाइंड एली जो उसने कहा है शुरू में कि बंद गली है, तो उससे भी हमें उसकी फीलिंग्स का लगता है प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं कि देर इज़ समथिंग बैड दैट इज़ गोइंग टू हैपन. कोई ऐसा है जिसमें वे आउट नज़र नहीं आएगा. तो दिस वॉज द समरी ऑफ द स्टोरी. नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इसका क्रिटिकल एनालिसिस और स्टडी क्वेश्चंस कर लेंगे. तो कीप ऑन फॉलोइंग द लेक्चर्स so that you could get the analysis as well and then study questions. So